मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए, भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं।